चैनल पर आप सबका स्वागत है। सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल आपको फ्री में दवाइयों की जानकारी प्रोवाइड कराएगा। इस वीडियो में हम सिफेक्सिम 200 के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टैबलेट का नाम है सिफिक्स 200 mg, और जो कि सिप्रा कंपनी का एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है जिसका कंपोजिशन सिफेक्सिम रहता है। सिफेक्सिम ड्रॉप्स के रूप में भी आता है, सिरप के रूप में भी आता है, टैबलेट के रूप में भी आता है, 200 mg में भी आता है और 400 mg में भी आता है। दोस्तों, इसको जीस फार्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट सिप्ला लिमिटेड करती है। दोस्तों, ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है, आप देख सकते हैं, जिसकी कीमत है मार्केट में 105 रुपये 16 पैसे। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको ये टैबलेट हर मेडिकल केमिस्ट से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, सिफेक्सिम एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि हमेशा डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, खाली पेट इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, जिन लोगों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो सिफेक्सिम टैबलेट काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। और दोस्तों, सिफेक्सिम काफ़ी सालों से मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सालों से, और बहुत ही सेफ एंटीबायोटिक है। दोस्तों, जिन लोगों को खांसी, जुखाम, नज़ला, छींकें, बुखार, टाइफाइड बुखार, इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर मलेरिया बुखार में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ पेट में सूजन होना, पेट में दर्द रहना, पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, बॉडी में किसी भी तरह का घाव होना, और इसके साथ साथ गले में खराश होना या कहीं बॉडी में किसी तरह का घाव हो जाना, और किसी भी तरह का कान में, आँख में इन्फेक्शन हो जाना, दांत में इन्फेक्शन हो जाना, गला दुखना, गले में खराश रहना, खांसी होना, पुरानी खांसी होना, छाती में बलगम होना, छाती में इन्फेक्शन होना, छाती में सूजन होना, इसके साथ साथ जैसे कहीं पे पेशेंट को चोट लग गया है तो उसकी वजह से घाव होना, तो इन सभी कंडीशन में इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा तो ये टाइफाइड में, टाइफाइड बुखार में, इन्फेक्शन को ठीक करने में, सूजन में, तो गले की खराश में, या फिर दांत के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह से खाना खाने के बाद दिन में 2 बार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिन में 3 बार भी दिया जाता है डॉक्टर की सलाह से। इसको अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और कुछ सुझाव रहता है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। इसके साथ साथ